गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है और ये क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित होता है कोशिकाओं के अंदर केंद्रक में, ये स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि विभिन्न प्रकार की क्रिया रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम करती है। न्यूक्लियर डीएनए बेसिक इनहेरिटेंस होती है जो कि ऑल टाइप के फिनोटाइप, हम मतलब हम जो भी दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं, जो हमारा लक्षण है वो सब डीएनए की वजह से होता है और ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। जीन्स जो कि होते हैं मेंडेलियन स्टाइल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं और ये जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित डीएनए होते हैं उनका इनसे कोई इस प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि हम जो दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण हमें केंद्रक में उपस्थित डीएनए की वजह से होता है और ये मेंडल की सेग्रीगेशन, प्रभाविकता के नियम आदि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन जो प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में उपस्थित डीएनए की वजह से होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी डीएनए उपस्थित होता है, वो भी क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस प्रकार की अगर इनहेरिटेंस होती है, मतलब कोई लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इस प्रक्रिया को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब केंद्रक के अलावा साइटोप्लाज्म में जो भी डीएनए उपस्थित है उसके आधार पर किसी प्रकार के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या लक्षण प्रदर्शित होते हैं ऑफस्प्रिंग में, उसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे आगे। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइट्रोकॉन्ड्रिया है जिसके कि अंदर डीएनए पाया जाता है। ये एक चित्र जिसमें कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सर्कुलर डीएनए दिखाया गया है, ये एक कोशिका की संरचना है, इसमें ये केंद्रक है। द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फॉलोज अ नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब जब इस प्रकार के डीएनए उपस्थित हैं तो वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे कि मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग, आप तीन नियम हैं उनके, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपोहन का नियम और सेग्रीगेशन का नियम। तो ये जो क्रोमोसोम, ये इस प्रकार का जो डीएनए है वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा उसके बारे में कुछ पैटर्न है या नियम है। तो जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो मेंडल की तरह सेग्रीगेट या इस तरह का कोई पैटर्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रोमोसोम जैसे संरचना नहीं होती, ना क्रोमोसोम जैसे संरचना होती है, ना ही उनमें कोई सेंट्रोमियर जैसा कोई पॉइंट होता है। तो जैसे कि हम मियोसिस और माइटोसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट्रोमियर वाले स्थान से वो विपरीत ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो जब सेंट्रोमियर ही नहीं होगा तो वो विपरीत ध्रुव की तरफ कैसे जाएंगे। तो ये एक नॉन मेंडेलियन तरीके से काम करते हैं। इस एक चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि ये एक कोशिका है जिसमें कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम गैमेट बनाते समय अलग हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की क्रिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में नहीं होती है। सेकेंड थिंग वो ये है कि इनमें खुद की मैकेनिज्म होती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की, रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की। ये न्यूक्लियस में जो उपस्थित डीएनए है उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है मैटरनल इनहेरिटेंस। द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनहेरिट फ्रॉम द मैटरनल साइड। यहाँ पे केवल जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का इनहेरिटेंस होगा वो केवल माता के द्वारा ही होगा। अब सबसे पहले जो कॉरेंस थे उन्होंने 1908 में सबसे पहले मेंडेलियन, इस तरह की नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखी थी मिराबिलिस जलापा में, और उसके बाद एमएम रॉयडिश ने 1933 में देखी थी, और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था साइंस में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे किया जाता है, ये क्या प्रक्रिया है मैटरनल इनहेरिटेंस। ये केवल मदर के थ्रू होती है और मदर के थ्रू ऑफस्प्रिंग में जाती है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ फीमेल की वजह से ही होता है जिसके के कारण ये मदर के थ्रू ऑफस्प्रिंग में जाती है। द
ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक थ्योरी बोलती है, कहती है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो एग होता है उसके अंदर वो साइज़ में बड़ा भी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म भी होता है अगर हम कंपेयर करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म से। ये एक डिफरेंशिएशन करने के लिए, जैसे कि एग सेल है ये बहुत ही बड़ी है, इसमें साइटोप्लाज्म भी उपस्थित होता है और जो कुछ ऑर्गेनल्स भी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी उपस्थित होते हैं, और ये जो शुक्राणु है इसमें केवल ये, इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, बस न्यूक्लियस और ये एक्ट्रोसोम उपस्थित होता है जैसे कि गॉल्जी बॉडी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए होता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी इन मेज, अब कुछ एग्जांपल है जो कि इस प्रक्रिया को बताते हैं कि किस प्रकार से साइटोप्लाज्मिक स्टरिलिटी होती है। ये एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जो कि मेल स्टरिलिटी बताता है जिया मेज में। इन जनरल देयर आर टू टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, जो एक मेज है उसमें दो प्रकार के साइटोप्लाज्म देखे गए, एक तो नॉर्मल और एक स्टेराइड साइटोप्लाज्म। स्टेराइड मतलब जो पोलन ग्रेन होंगे वो बिल्कुल उसमें फंक्शनल नहीं होंगे, वो स्टेराइड बंधे होंगे। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज टोटल और पार्शली मेल स्टेराइड इन प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इंटरेक्शन, सॉरी ठीक है। तो न्यूक्लियस और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके दोनों के इंटरेक्शन के पश्चात रिजल्ट आता है कि वो उसका साइटोप्लाज्म या वो किस प्रकार का पौधा होगा। मेल स्टेरिलिटी इज द फेलियर ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस फंक्शनल एंथर पोलन और मेल गैमेट्स, ठीक है। तो मतलब मेल स्टेरिलिटी का मतलब ये हुआ कि वो फंक्शनल एंथर का उपयोग बनाएगा नहीं, पोलन नहीं बनाएगा और ना ही मेल गैमेट्स बनाएगा, बंधे होगा वो पौधा। ये एक डायग्राम जिससे कि इसको हम समझ सकते हैं। ये मेल स्टेराइड एक पौधा जिसका कि क्रॉस करवाया गया है नॉर्मल फर्टाइल पौधे से, ठीक है। इसमें हम ये मेल लेते हैं और ये फीमेल, इनके मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 में सभी स्टेराइल पाए जाते हैं, मतलब सभी बंधे पाए जाते हैं, और जब इन F1 स्टाइल पौधों का बैक क्रॉस कराया जाता है नॉर्मल फर्टाइल प्लांट से, ये इसके साथ ये बैक क्रॉस कराया जा रहा है, तो उसके पश्चात सभी जो पौधे होंगे वो सब कैसे मेल स्टेराइड प्राप्त हों, तो अनटिल ऑल क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल स्टेराइड लाइन आर एक्सचेंज टू मेल फर्टाइल द स्टेरिलिटी परसिस्ट इन द प्रोजेनी, ठीक है। This result indicate that chromosomal nuclear DNA does not have any significant role in male sterility. तो जो chromosome nucleus के अंदर जो उपस्थित DNA या chromosome है उसका इसमें male sterility में कोई काम नहीं है, ये जो बंधता है वो cytoplasm में जो उपस्थित है DNA उससे related है। Furthermore, most of the cytoplasm and organelles are inherited from the maternal side. और ये अधिकतर मैटरनल साइट की वजह से होता है, जैसे मादा या मदर के अंदर जो भी गुण होंगे वही ऑफस्प्रिंग में आएंगे। फ्रॉम द साइंटिफिक फाइंडिंग इट इज़ कन्फर्म दैट स्टेरिलिटी इज़ इनहेरिटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इससे कन्फर्म्ड होता है कि ये इस प्रकार के जो इनहेरिटेंस है वो मदर से आते हैं और साइटोप्लाज्मिक होते हैं। हेयर जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ मैटरनल साइट इन्फ्लुएंस सेवरल फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर जो जेनेटिक कंपोजिशन है मैटरनल साइट की वो बताती है कि किस प्रकार के जो फिनोटाइप होगा वो प्रदर्शित होगा। इन सम ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस रेदर देयर द जीनोटाइप ऑफ द मैटरनल साइट हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, और कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैटरनल नहीं, वो मैटरनल के फिनोटाइप पे नहीं जीनोटाइप पर भी फर्क पड़ता है उनका। नेक्स्ट, हेयर फिनोटाइप ऑफ मदर डज नॉट हैव एनी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर जो मदर का फिनोटाइप है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप के डेवलपमेंट में। द मैटरनल इफेक्ट्स इन स्नेल, अब स्नेल के बारे में भी पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। द करेक्टर्स ऑफ कॉइलिंग ऑफ स्नेल इज़ गवर्न बाई द मैटरनल इनहेरिटेंस,
स्नेल हैज़ टू टाइप ऑफ शेल, जो आपने स्नेल देखा होगा, शंख जिसे कहते हैं, उसकी ओपनिंग होती है और कॉइलिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो डेक्स्ट्रल होती है और एक सिनिस्टर होती है। तो ये जैसे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरफ इनकी कॉइलिंग होती है। हेयर द मदर्स जीनोटाइप इज़ एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉइलिंग स्टाइल। मदर का जो जीनोटाइप है वो मैटर करता है कि उसके ऑफस्प्रिंग की जो कॉइलिंग की स्टाइल किस प्रकार होगी। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट डी प्लस जीनोटाइप कोड फॉर द डेक्स्ट्रल, हम राइट साइड में जो उसकी कॉइलिंग है उसको हम डी प्लस से डिनोट करते हैं और केवल डी को कोड करते हैं सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, लेफ्ट साइड की कॉइलिंग के लिए सिनिस्टर और राइट साइड की कॉइलिंग के लिए डेक्स्ट्रल डिनोट करते हैं और फिर उनके मध्य क्रॉस कराते हैं। तो ये इस प्रकार का एक क्रॉस है जिसमें हमें सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल दोनों प्रकार की एग्जांपल लेके इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ये इसमें कैपिटल डी जिसमें कि ये प्रभावी है, इसका फीमेल लेकर और इसका क्रॉस कराते हैं केवल डी मेल से, और यहाँ पर जो F1 और F2 में प्रोजेनी प्राप्त होती है वो सभी डेक्स्ट्रल होती है जैसे कि मदर में होती है। ऐसी डीडी रिसेसिव होते हैं और फिनोटाइप इसका एक्सप्रेस नहीं होता और जो मेंडेलियन रेशियो है वो भी हमें प्राप्त नहीं होता। एक और सिचुएशन लेते हैं हम इसी तरह से। अब यहाँ पर हमने कंडीशन चेंज कर दी है, यहाँ पे केवल डीडी सिनिस्ट्रल फीमेल लेते हैं और डी प्लस डेक्स्ट्रल मेल, ये मतलब इसको प्रभावी ले लेते हैं, और फिर जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो हमें मिलते हैं F1 ऑफस्प्रिंग सिनिस्ट्रल विथ जो जीनोटाइप होगा इनका डी प्लस और डी। जब इनका फर्दर क्रॉस कराया जाता है F1 प्रोजेनी का, तब F2 जो भी प्रोजेनी आती है वो सब डेक्स्ट्रल होती हैं और इनकी जो कॉइलिंग होती है वो राइट साइड होती है। ये देखिए सबकी कॉइलिंग राइट साइड है। दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी बिकॉज ऑल्दो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेनी की जो फिनोटाइप है वो इन पर मैटर करती है, डिपेंड करता है उनके उनका जीनोटाइप है वो क्या है। ऑल्दो F1 प्रोजेनी आर सब जो थी सिनिस्ट्रल थी, लेफ्ट हैंडेड मूव वो था उनका, और जबकि F2 में सभी डेक्स्ट्रल हो गई है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन शो दैट स्पिंडल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड मेटाफेज डिवीजन डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ द कॉइलिंग। अब यहाँ पे जब डिटेल स्टडी की गई तो देखा गया कि जब सेकेंड मेटाफेज आया तो जो स्पिंडल की जो डायरेक्शन थी उससे डिसाइड होता था कि उसकी कॉइलिंग किस प्रकार हुई। द स्पिंडल ऑफ डेक्स्ट्रल स्नेल्स आर ट्रैप्ड टू राइट एंड वाइस वर्सा फॉर सिनिस्ट्रल। Investigately, spindle arranged in metaphase is controlled by maternal genes. और यहाँ पर भी ये maternal genes के द्वारा जो spindle का arrangement है वो control किया जाता है। So the actual phenotype of type of coiling in snail is governed by maternal gene and it does not depend on the phenotype of any parents. In some of the organism, the amount of exchange of cytoplasm play a crucial role in the inheritance of phenotype. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये बहुत ही क्रूशल इफेक्ट डालता है कि साइटोप्लाज्म का कितना एक्सचेंज हुआ है। जैसे कि कप्पा पार्टिकल्स में हम देखेंगे, कप्पा एक पार्टिकल्स होता है जो कि पैरामीशियम में पाया जाता है और ये एक किलर टाइप का स्ट्रेन होता है जो कि एक सेंसिटिव जो एनिमल होता है सेंसिटिव स्ट्रेन उसको मार देता है। तो पैरामीशियम इज़ अ सब्सटेंस फाउंड इन सम ऑफ द किलर स्ट्रेन ऑफ पैरामीशियम विच किल्स द सेंसिटिव स्ट्रेन। पैरामीशियम प्रोड्यूस्ड इज गवर्न बाय द कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम। ये एक डायग्राम है जिसमें प्रदर्शित किया गया है, एक ये किलर पैरामीशियम है और ये एक सेंसिटिव स्ट्रेन है। इन दोनों में कॉन्जुकेशन हुआ लेकिन कॉन्जुकेशन बहुत कम ड्यूरेशन में हुआ, तो इनमें किसी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हुआ। साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये एक जब इनमें डिवाइड हुआ तो ये सेंसिटिव रहा और किलर जो है वो किलर रहा। लेकिन नेक्स्ट जो कंडीशन है यह
KK genes is responsible for the production of kappa particles which dominate over small k genes. In case of inheritance of kappa particles, cytoplasmic exchange during conjugation play a crucial role. In this condition, यहाँ पर जो conjugation की क्रिया है वो थोड़े लंबे समय के लिए हुई, तो उस प्रक्रिया में जो साइटोप्लाज्म था वो एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में ट्रांसफ़र हो गया। इसकी वजह से जो सेंसिटिव था वो भी कप्पा पार्टिकल उसके अंदर चले गए। इफ़ बोथ आर कॉन्जुकेटेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम इन F1 जनरेशन, किलर स्ट्रेन रिमेन किलर एंड नॉन किलर रिमेन नॉन किलर इन द हेट्रोजीनियस कंडीशन। हेयर ओनली न्यूक्लियर जीन्स आर ट्रांसफर बट द साइटोप्लाज्म इज नॉट एक्सचेंज बिटवीन द बोथ द स्ट्रेन। बट लॉन्गर टाइम के लिए जब उनको रखा जाता है तो साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज होता है और उनके जो जेनेटिक मटीरियल होते हैं वो भी एक से दूसरे में चले जाते हैं। तो कंक्लूजन ये रहा, द साइटोप्लाज्म इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल नॉट ओनली फॉर द ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स बट ऑल्सो द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम ऑफ द डिजीज कंडीशन इन ह्यूमन। थैंक यू।